बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम अलैकुम पिशोरियों एंड अस्सलाम अलैकुम हिंकुवान। दिस इज़ वंस अगेन योर बॉय शाहजी एंड वी आर लाइव एट मशरिक टीवी दिल पिशोरी दे नवे एपिसोड दे। जनाब मैं तुहाड़े सारे नूं बहुत खुश आमदीद कहना, उम्मीद करने के जनाब पूरा हफ्ता बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह ताला तुहाड़े ते खास करम रखे, अल्लाह ताला तुहाड़े सारे नूं खुशियां ता फरमावे ते अल्लाह ताला तुहाड़े सारे नूं जनाब गमां सी बिल्कुल दूर रखे। मेरा अज दा टॉपिक मैंने शुरू जी जनाब तुहानूं बता छोड़ा, बिकॉज पिशोरियां दे दिलां दे बड़ा करीब है ये पूरा टॉपिक। हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया जनाब मेरा ये अज दा उनवान है। अज हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दी जिंदगी दे बारे च, उन्हां दे सफर दे बारे, उन्हां दी इल्म दे बारे च, उन्हां दी जिंदगी दे डिफरेंट पहलुआं दे हवाले नाल जनाब असी अज गल करसी है पिछोड़ियो। ते अज मनु तुहाड़ा स्पेशल साथ चाहिदा है, बिकॉज ए टॉपिक मेरा निंगा, ए टॉपिक इस पूरे पिछोड़ दा वे। कोई बंदा भी अगर पिछोड़ी होवे ते उन्हां दा बल्कि पूरी दुनिया च हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह नाल उन्हां दे अपनी अकीदत है, अपना एहतराम है, अपने खलूस है, अपनी एक मुहब्बत है। ते उस मुहब्बत दा इजहार करने अज मैंने ए टॉपिक चूज कीता है। उम्मीद करना कि तुसी इस टॉपिक नू जरूर एक्सेप्ट कर सो, ते एक दिन आप एक्सेप्ट करके जनाब मनु जरूर तुसी आपने फीडबैक से आगाह कर सो। साड़ा नंबर तुहाड़ी स्क्रीन ते वे जनाब, साड़ा व्हाट्सएप नंबर भी तुहाड़ी स्क्रीन ते वे। अगर तुसी तुहाड़ी जिंदगी भी कोई तुहाड़ा कोई जिया वाकिया उन्हां दी खानकाह च तुहाड़ा भी विजिट होया होवे, तुहाड़ा गुजर होया होवे, जरूर मनु बताओ। बल्कि जितने लोग भी मैनूं देखते पैन जरूर मने नाल अपनी गलां शेयर करो, ताकि असी इस अजीम हस्ती नूं खराज तहसीन पेश करिए। जनाब अज दा मेरा टॉपिक है हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया। ठीक हो गया, मैं तुहाड़े कॉलर दा बेसिकली बहुत इंतजार कर सा, बिकॉज आज तुहाड़ा इनपुट देना मेरे वैसे जनाब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, एनी जनाब इस टॉपिक नूं थोड़ा जिहा अगे लेके चलने आ। हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया जनाब जिन्हां दी पैदाइश है 1101 1690 हिजरी च इन्हां दी पैदाइश है। अल्लाह ताला दे खास बंदे हमेशा इस दुनिया च आके अल्लाह ते उधर रसूल दी खुशनुदी वसे, अल्लाह ताला दी ते उधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात नू हमेशा अपनी जिंदगी दा एक खास जुज रखा। जनाब जो अल्लाह ताला ने अपने अपने नूर दो अपने इल्म नू इस दुनिया ते मुनव्वर कीता, ते उन्हां दे नेक ते बरगजीदा लोगों ने इस पैगाम नू दुनिया दे कोने कोने फैला कर अल्लाह ताला दे इस नूर नू इन बनी नो इंसाना वसे मशल हदायत बढ़ा के उन्हां दी रहनुमाई वसे इस पूरी दुनिया जनाब ये नूर फैला छोड़ा। पिशोर शहर की भी बड़ी खास वजह है कि जनाब पिशोर शहर भी लोगों ने आके बड़ी बड़ी हस्तियां ने आके अपने इल्म नाल अपने फैस नाल पिशोरियां नू इस पूरे शहर नू इस पूरे खित्ते नू जनाब आबाद कीता है, इस पूरे खित्ते नू अपने इल्म दे नाल अपनी रोशनी दे नाल ते अपने फैस नाल इस पूरे शहर नू फैजयाब कीता है। उन्हां दा तारुफ अगर मैं देवां तो जनाब शायद इतना बेहतर ना हो सी। सैयद औलिया शाह कबूल औलिया दे तारुफ ते एक शॉट देखने जनाब ते वह तुहानू मिलने आ जी। ओके जनाब वेलकम बैक, मेरे को कॉलर हैं, मैं गल करना जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब कॉलर ड्रॉप हैं, असी गल पे करने पे हैं उन्हां दी जिंदगी दे बारे च। जनाब उन्हां दी पैदाइश है 1101 1790 हिजरी ईस्वी च। उन्हां दी जड़ा एक बड़ा वड़ा शजरा नसब जिन्हां दा ताल्लुक है जनाब गौसुल आजम हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी औलाद चन। ठीक हो गया, इन्हां दे वालिद दा नाम सैयद अब्दुल्ला शाह। जनाब इन्हां दी एक पूरी हिस्ट्री है जिहड़ी अज मैं कोशिश कर सां कि इन्हूं कवर करा, ताकि लोगों नूं थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन दे हवाले नाल भी असी अपडेट करते रहिए। ठीक हो गया जनाब, पहला जड़ा इन्हां दा मैंने तुहानूं तारुफ दे छोड़ा कि जनाब इन्हां दा तारुफ यह आया कि इन्हां ने अपनी पूरी जिंदगी एक इल्म वसे मुख्तस कर छोड़ी। इल्म एक खास वसीला आया एक आलिम वसे, एक इल्म एक जी मीरास है आलिम दी, कि जिस आलिम ने आप गल ये बड़ी मशहूर गल है, अल्लाह कह गल समझा सका कि जनाब हर आलिम वली नहीं हो सकता, लेकिन हर वली जनाब आलिम जरूर हो सकता है। जब हज़रत शाह कबूल औलिया जो जनाब 4 साल दे ते उन्होंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की इल्म दी, ते वालिद साहब जनाब उन्होंने 4 साढ़े 4 साल की उम्र मकतबे इल्म दे दरवाजे ते उन्होंने अंडर करके जनाब ते उन्होंने एक रूहानी ते दीनी अलूम दी एक मश्क जी एक एक्टिविटी जो उन्होंने सीखी जनाब वो शुरू हो गई। उन्होंने इल्म के हवाले से एक शॉट देखने जनाब ते वह तुहानू मिलने जी। ओके जनाब, असी पे अज हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया पे गल करने पे हैं।
तो कोशिश यह भी कि जनाब उन्होंने जिंदगी के कुछ पहलू जड़े असी तुहानू दिखा सकीए और जरूर दिखाइए ताकि तुहाड़ी भी मालूमात थोड़ा जिहा मेरे नाल नाल इजाफा होंदा रहे। अगर तुहानू भी जनाब इस हवाले नाल कुछ कहना वे, कुछ तुहाने गल शेयर करनी है, कोई तुहाड़ा मौकफ इस हवाले नाल, जरूर मैनू कॉल करते रहो ताकि जनाब इस प्रोग्राम नू, इस टॉपिक नू जनाब असी मजबूत करके अगे वल लैके जाइए। ठीक हो गया जनाब। जदों मैं गल की इल्म हर आलिम, ठीक हो गया, हर आलिम इल्म हासिल कर दिया, लेकिन जनाब हर वली वैसे इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। वजह है जनाब उन्हों का जरा सामना वे वह डिफरेंट मकातबे फिक्र के लोगों आता है। ठीक हो गया, डिफरेंट मजाहिब के लोगों उन्होंने जरा सामना वे उन्होंने जी ऑडियंस होती है वह डिफरेंट मजाहिब के लोग होते हैं जिन्होंने उन्होंने हक का पैगाम सुना होता है। तो इस वजह इल्म हासिल करना मीरास है हर वली की। तो जनाब हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया ने भी अपने इल्म वड्डियां की मीरास समझा, बिकॉज इल्म जनाब मीरास है साढ़े वड्डियां की। तो यह जरूरी है, मैं अक्सर अपने यंगस्टर को यह गल जरूर करना, जनाब आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग मुझे सुनते हैं, जरूर अपने बच्चों को इल्म जरूर हासिल कराओ। जरूरी नहीं है जनाब के जॉब वसे हो, नौकरी वसे हो या किसी और मामले वसे हो, जनाब एक बेहतर इंसान वसे, ठीक हो जी, एक बेहतर मार्फत वसे, एक पछाण वसे, एक इल्म दा हसूल जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट शे है। जनाब इसी वास्ते मैंने इस टॉपिक नु चुना भी है ताकि असी एक मासूम दी, एक औलिया दी तस्करा कर दे करते असी अजकल मॉडर्न जिंदगी भी डिस्कस करिए ताकि असी इस भी थोड़ी जी बेहतरी लिया सकें। ठीक हो गया जनाब, उन्होंने जो अपना इल्म हासिल कर छोड़ा, जो अपने इल्म नू पैदाश दे छोड़ी, तो 17 साल की उम्र अपने वालिद साहब के कोल आए कि जनाब मैं हुण सफ़र करना चाहना ताकि मैं हक का पैगाम अपनी जिंदगी जितने लोगों को जनाब पहुँचा सकाँ और मैं पहुँचा देव। मेरे को कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मिसेस आमिर बात कर रही हूँ जी। कौन बात कर रही है? मिसेस आमिर बात कर रही हूँ भाई मैं जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, करम आपकी दुआएं हैं, मौला का करम है। बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्रोग्राम के लिए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। बहुत शुक्रिया। और औलिया कराम पे अगर बात हो रही है ना जी, तो पेशावर में जितने भी औलिया कराम है ना उन पर जरूर प्रोग्राम कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली किया था मौलवी अमीर शाह सरकार पे किया था, अभी दूसरा प्रोग्राम है इनका। हम भी बुखारी सैयद है ना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद मुनीर अली शाह कादमी साहब हमारे फैमिली में। अच्छा, ठीक 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 जी जी, इनके ऊपर कीजिए। और सैयद मुराद अली शाह सरकार गुवाहाटी वाले जो नहीं है, हाँ, बिल्कुल सही कीजिएगा, थोड़ी सी उनकी तफसील बताइए, हमें भी पता चले ना हिस्ट्री। बस इंशाल्लाह आपने मुझे बड़ा अच्छा तुमने गाइड भी कर छोड़ा है और मैं इंशाल्लाह जरूर प्रोग्राम भी करूंगा इन पे इंशाल्लाह ताला। आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है? चले, बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है। अच्छा मैं गल पे, अच्छा मैं थोड़ी जी खांगे यार, ठीक हो गया, थोड़ा जुकाम भी है, ऑब्वियसली यार मौसम जरा बदलता भी है, तो उसके नाल साले भी बदलना है, लेकिन बदले नहीं है तो तेरी खंग लग गई है। एनी हाउ जनाब, उन्होंने अपना जो इल्म मुकम्मल कर छोड़ा था, अपने वालिद साहब को आए कि मैं अब सफ़र करना चाहता हूँ, मैं हूँ इस दीन की तबलीग करना चाहता हूँ। जनाब जो वालिद साहब ने इन्हों का इस्तराब देखा, जो इन्हों की बेचैनी देखी, जो इन्हों का अखियाँ च रोशनी देखी, तो जनाब इन्हों इजाजत दी, तो उन्होंने अपना सफ़र उस मराकेश से इलाके से लैके जनाब कराची तक, कराची सिंध इलाके आके इन्होंने अपनी दीन की तबलीग शुरू की है। इस शॉर्ट देखने तो बात मिलने जी। ओके जी, वेलकम बैक, एंड मैं कॉलर लेना तो बात गल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, किस रूप में गल कर दें जी? मेरा नाम है जी सैयद लाइफ अली शाह, वटपगी से बोल रहा हूँ जी। अगर जी किसने जी, ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? बिल्कुल जी खैर है जी। आज का शो पे देख दे हो, क्या कहना चाहते हो जी? आज ही शो पे देखने शाह कबूल औलिया जी, असी जाने होने ज़ियारत पे मज़ार शरीफ ते थे ना, एक उधर सराई गदाई हरिपुर भी जाने होने जी। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, उधर कोकली शरीफ थे शाह कबूल औलिया ने बारिश जैसे उसकी बुला दी उठे बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप रिकोरी भी अवेदी जी उठी भी है। तो इन्हें कोई तालीमात अगर तुम्हारे जहन कोई ओवन कोई तालीमात शेयर करना चाहो जरूरत सुनने पे जी। ये जी असी बहुत ज्यादा खिदमात हो जी, ये कहने मतलब है जी अपने टाइम ने जी मतलब इलम हासिल करना है, बहुत ज्यादा बड़ा आलम भी है ने मस्जिद ने पानी पाना है जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ते रातों रात जरा तक मतलब लोगों ने सही करना है, फायदा देना है लोगों को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओते असने चला खाने है जी, ओते सराई गदाई। अच्छा, वो भी ऐसा देखे जी जाने होने। अच्छा ठीक है, ते हुन भी खानकाह चक्कर लगता है, हुन भी जांदे होंदे हो जी? हां जी जाने होने, ओते 21 22 23 जून में ओते औरस होना होना है जी। अच्छा, जून औरस होंदा है इना दा?
बस लाइक शाह साहब तुहाने साढ़े से भी बहुत दुआ करनी है ते बड़ी मेहरबानी तुहाने कॉल करके मेरे इस गल नूं एंडोर्स कीता जनाब बहुत शुक्रिया जरूर कॉल करते रहो ते मैनूं बताते रहो जनाब अगर तुहाडा भी कोई चक्कर लगे इस खानकाह वल या तुहाडा कोई एक्सपीरियंस है या तुहाने भी उन्होंने जिंदगी से कोई तालीमात हासिल की जनाब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब तालीमात हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी एक मैसेज लेना एक पैगाम लेना एक नो अपने अंदर इंस्पिरेशन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंस्पिरेशन जी मैं तुम्हें दिखाई जनाब वो तालीम है ठीक हो गया भावें तुम विलायत के दर्जे पर भी होवो वह भी इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है तुम्हारी अपनी जात बिकॉज इल्म तुम्हें पछाण दे सी अच्छाई तो बुराई च ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वाले साहब एक गल करते हैं कि शाह साहब कभी जो ना बड़े एक फर्क है बड़े इंपॉर्टेंट गल है कि जनाब हमेशा अच्छे इंसान बनो ठीक हो गया सही इंसान ना बनो अच्छे इंसान बनो कभी सही इंसान ना बनो बिकॉज अच्छे इंसान कभी भी किसी नाल आनल आ नहीं मिलाते और वो गलत नू गलत कहते हैं ठीक है जी सही नू सही कहते हैं तो यह मेरा पॉइंट है जनाब अपने बच्चों नू जरूर तालीम देते रहो एनी असं गल पे करने शाह कबूल औलिया के हवाले इल्म दे गल की है जो मैं गल की हूँ सफर की मैं गल की कि उन्होंने पूरा सफर तय किया है अपने कराची उन्होंने अपने आए थे तबलीग इस्लाम इस्लाम की तबलीग पूरे चप्पे चप्पे देंदे रहे खाली वो कराची नहीं आए जनाब उसी बात उन्होंने अपना सफर मजीद जारी रखा है बिकॉज जनाब उन्होंने एक मकसद आया वो एक कैंपेन आई वो कैंपेन आई कि हक का पैगाम उन्हें तमाम लोगों को देना जड़ा हूँ भी हक के पैगाम से नाशनावन और वो लोग जड़े हूँ भी अपनी तियां दबाते हैं बिकॉज उन्होंने देना बड़े सगीर पाको हिंद जनाब ये रिवायत है अगर कोई खून मर जाए तो उसके नाल रन नू भी साड़ता जाता है सती कहते हैं इसके अलावा तियां ते आमद नू बुरा समझा जाता है और इस किस्म की बहुत सारी गलां आईया जिन्हों बदलाना जिसनों चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट आया तो इस विलायत के नूर के जनाब इस रोशनी ने अपने सफर नू जारी रखा जनाब यह सफर शुमाली हिंदुस्तान तक गया ए सफर शुमाली हिंदुस्तान से निकला जनाब ए वली जो निकले हिंदुस्तान से इन्होंने सफर मुल्तान छिड़िया मुल्तान से बाद जनाब इन्होंने 12 साल हरिपुर भी गुजारे मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम पेशावरी हो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन साहब किधर पे गल कर दियो जी मैं जनाब अजर पर गल करना अजर साहब किसम जनाब ठीक ठाक हो खैरियत आज आवाज बदली है थोड़ी थोड़ी जी जनाब येरा जी बस कभी कभी बदल नहीं पैंदी है ना यार ठंड हो गई किसम को जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी और सर्दी सर्दी में चार थोड़ा गला वाला भी सुंगड़ जाता है ना हां ये मतलब तो थोड़ी आवाज थोड़ी चीज जरा मुश्किल लग रही है और थोड़ी कुछ ठीक हो मैं ठीक ठाक आज दा शो पे देख जनाब के कहना चाहसो जी यार ये शो पे देखने हैं तो खैर है कि माशाल्लाह ये अगर तुमने स्टेप लेते हैं ना या कराम दा का तो इस तरह थोड़ी बहुत सिस्टम कभी कभी अगर प्रोग्राम करो तो थोड़ा सा इन शहर में नॉलेज भी हो सी कह रहा है कौन कौन गुजर आया तो उन्होंने किए के तकालीफ की तो किस तरह इस्लाम फैला वगैरह वगैरह ठीक है बिल्कुल सही है लेकिन मैं तो चाह रही गल कर सा जी जी प्लीज मैं कहना देखो अलिया कराम तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की है देखो उन्होंने जिस तरह दीन फैलाया फिर उन्होंने मतलब अल्लाह ताला का कुर्ब किस तरह हासिल किया है क्योंकि अल्लाह ताला एक अल्लाह ताला नू मानते हैं ठीक है ना जी ठीक हो गया चक्कर है कि वक्त असी ना अलिया कराम की जी करामात उन्होंने मिस यूज करना शुरू कर देने अच्छा सही है बिल्कुल ठीक है ना जी क्योंकि असी वक्त इसी जगह के उत्ते असी वक्त बिद्दत शुरू कर देने बिल्कुल ठीक है बिल्कुल शुरू कर देने ठीक है तो सानू अलिया कराम ने तालीमात भी दी है अच्छा अजर साहब असी बिद्दत ते तालीमात च फर्क किसम देखसी है मेरे ख्याल जी फर्क ये देखिए देखो जी अगर असी एक औलिया कराम को असी देखो अगर जाके उस उन्होंने मान लिया कि उन्होंने देखो इस्लाम से खिदमत की है एक कितो है एक कितो है बिल्कुल ठीक है वह तो असी ये भी मान लिया कि उन्होंने देखो एक अल्लाह ताला नु भी मानते हैं बिल्कुल सही ठीक है ना जी बिल्कुल ठीक है तो वह असी उन्होंने तालीमात को पसे पर्दा डाल के असी वह उन्होंने कैश करना शुरू कर देंगे बिल्कुल सही है बिल्कुल ना जी इस शहर में मैंने कई जगह देखा है कि देखो लोगों ने जी वड़ी वड़ी जारत बनाई हैं फलिया फला तो उसे जनाब तुहानू पता है मतलब असि भी देखते हैं दुनिया देखती है ठीक है ना जी तो उसे जनाब लेना देना पैसे और टोलना यह सारी सेवा दे उन्हें यह सेवा इस्लाम में बिल्कुल बनाऊ जी जी
लिहाजा ये मैं सिर्फ थोड़े प्रोग्राम की विसात कैसा कि देखो जी ये माशाल्लाह साढ़े से बड़ी जबरदस्त हस्ती हूँ तो मैं अप्रीशिएट कर सकते इस शहर का कदम लिता कि सानू समझ आ रहे लेकिन इस्लाम जरा दरस सानू दे ना जी इस्लाम मायरा कैसी है आप? ठीक ठाक है, खैरियत है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का शो आप देख रही है, क्या कहना चाहेंगी? एग्जैक्टली मैं आज आपका टॉपिक देख रही हूँ जी, काफी डिफरेंट टॉपिक है आपका, है ना? मुझे भी डिफरेंट लगा है वैसे। सही है, बिल्कुल ठीक है। आई वुड से कि आपका ये जो टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक सिलेक्शन एंड आपका शो, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप हमें एंटरटेन भी करते हैं, आप हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, लाइक हमारे बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक में आप पिशावर की जो वेल नोन पर्सनैलिटीज को अंडर डिस्कशन लेकर आ रहे हैं शाह जी। ओके, ठीक है। बहुत अच्छी काविश है, ये बहुत अच्छी काविश है। इनफैक्ट अगर मुझे भी इनके बैकग्राउंड हिस्ट्रीज का नहीं पता, जैसे आपने लास्ट वीक मोदी जी का शो किया था, मुझे एज सच हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती इनके बैकग्राउंड। मायरा देखें, इस शो का मकसद बात करना भी है, लेकिन इस शो का मकसद अवेयरनेस देना भी बहुत ज्यादा। मायरा बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की थी जनाब। मैं लेना हुआ एक ब्रेक and I will see you after a short break, my people. वेलकम बैक एंड आई हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम जनाब। कौन साहब, किधर पे गल कर दें जी? जी मैं शकील पेशावर से बोल रहा हूं जी। जी शकील भाई, कैसे हो जी? ठीक ठाक, खैरियत है जी? शुक्र अल्लाह जी, तुसी अच्छे हो? शकील भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज द शो पे देख दे हो, के कहना चाहसो जी? मैं हर शो देख लूंगा जी। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, आज द शो दे वाल के कहना चाहसो जी? बेहतरीन शो है जी, असि तो शाह कबूल हो गया जो जाने होने उर्स दे उते खास। अच्छा, तकरीबन एक 5-6 साल मुसलसल जाने रहे, अजीज मियां कवाल आनो मैं ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असि उनां नु सुनने जाने होने हैं, यारो तसे भी जाने हैं ते उधर भी जाने हैं। अच्छा, उर्स दे मौके ते कवाल आंदे है जी? जी मैंने कहा उर्स दे मौके ते कवाल आंदे हैं जी थे। हां जी, थे रहने वाले ते असि पेशावर रही हैं जी, ते पेशावर जी पे रहने हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मैं ना सी उते रहने हैं ना, कोई सखानी जी रहने हैं ना, ते फिर सारे दोस्त अगर से मिल के जाना है जी, क्या कबूल हो गया था उर्स से, तो चलो चलिए। अच्छा, ठीक हो गया। उन्होंने अजीज मियां ओके आखिरी उन्होंने भी बात ताने दे तबरेज का वाल आने उन्होंने भी बेटा। अच्छा, अरे वाह अरे वाह। अच्छा शकील साहब, तुम उर्स से जानते हो, तुमने केड़ी कोई रूहानी गल, खास गल तुमने महसूस की थी होवे उस दर जाके जनाब? बस जी दिल नु सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, ये बड़ी गल है जी। ये बड़ी गल है, समझ गया। जे तुम्हारे को ना जितनी जी मालूमात है ना तुम्हारे को जितनी भी है, मुलाकात भी कर सकता। मुलाकात का प्रोग्राम है, मुलाकात हो जी इजहार मेरा मकसद पिशावर दे असासा मन, पिशावर दा एसेट, मैं उन्होंने किधर ना किधर जाके जनाब रिवाइव करते रहा गल पे कर रहे हैं सफर से। ठीक हो गया। शुमाली हिंदुस्तान से लैके मुल्तान से लैके हरिपुर 12 साल जनाब उन्होंने हरिपुर भी अपनी दीन दी तबलीग शुरू की थी। सफर दे वाले नाल शॉर्ट देखने हैं ते वक्त मिलने हैं जी। ओके जनाब, मैं आज दा टॉपिक जनाब हजरत सैयद शाह कबूल औलिया जरूर मैं बताते रहो, ताकि वो तालीमात जी उन्होंने लोगों को अता की, लोगों को दी जनाब वो तालीमात, असल शायद असी थोड़ा जो डिस्कस कर लिए, रिवाइव कर लिए, ताकि जनाब सुनने वाले थोड़ा जहा फायदा जरूर हो जाए। ये मेरा इंपॉर्टेंट है।
अल्लाह ताला ने हर दौर च इंसान नू उदी हदायत वसे उदी रहनुमाई वसे अपने खास लोगों नू हमेशा ड्यूटी जनाब ड्यूटियां दी थीं। मेरे वाले साहब एक बड़ी खूबसूरत गल कर दें कि मोहसिन शाह जी इस पिशावर इस शहर पूरी दुनिया च ना अल्लाह ताला ने लोगों की डिप्टियां लाई हैं जनाब डिप्टियां लगी होंदी हैं लोगों की जिधर डिप्टी खत्म होंदी है उधर उधर जाने से पहले नवा बंदा आके जनाब अपनी डिप्टी संभालता है ठीक हो गया तो दूसरा बंदा अगे जाके अपने जरा मिशन है उस कैंपेन है उस जड़ी एक एक ना एक उम्मीद है उसनू अगे लैके जनाब इस रोशनी ताकि जनाब दुनिया कोई बंदा भी इस हदायत दे नूर से ना मतलब महरूम ना रह जाए ये लोगों की कोशिश होंगी। मेरा अज दे शो दा मकसद भी यही आया कि असी इस पॉइंट नू उजागर करिए इस तालीमात दे जमरे नू उजागर करिए कि जनाब इन्हा हस्तियां ने लोगों दे दिल जीते ए मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाना लगा इन्हा हस्तियां ने लोगों नू जोर ते कुछ गल नहीं कराई जनाब बिकॉज इन्होंने साबित कर छोड़ा कि जेड़ा काम तुसी जोर से करा सो अगले नू बजोरे शमशीर करा सो अगले नू प्रेशराइज करे करा सो जनाब उस काम दी हैसियत ते वक्त कुछ भी नहीं। इन्होंने लोगों के दिलों उते राज करके लोगों के दिलों से वो नफरत ते बोगस ते यू नो बेयकीनी दे वो तमाम जहरीले मवाद कट के जनाब ठीक हो गया मुहब्बत दा जरा वो चमन उगाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ते साबित किया एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद कि जड़ा काम तुसी लोगों के दिलों ते कर सो ठीक हो गया। अक्सर लोग कहते हैं जनाब हमने लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करनी है लेकिन जनाब इन्होंने बताया है कि जेड़े लोगों ने लोगों के दिलों से हुकूमत की है जनाब वो लोग हमेशा ताबिंदा ते पाइंदा रहे। मेरे को कॉलर हैं अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब किधर पे गल करते हो जी। मैं पिछो जी बोल रहा हूँ जमील हुसैन जी। हुसैन साहब किसम जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी। शुक्र है शुक्र है जी। बिल्कुल एंजॉय पे करना जी। ते अकेले पे देख दियो कि ना कार वाले भी देख दियो पेंजी। ना सारे कार वाले पे देख दे। अच्छा तुम्हारे सारे कार वाले ने मेरा सलाम कह दियो जरा ठीक हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है तुम्हारे कार वाले अल्लाह जिंदगी देवे तुम्हें अल्लाह सलामत रखे ठीक हो गया अपने बच्चों के सिर से सलामत रहो ठीक हो गया। जनाब कुछ करो या ना करो दुआ देंदे रहा करो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक हो गया। दुआ इस अगले को दे दिया करो इसका उम्र तकाजा नहीं है कि यार देख इतना निका जी है नहीं दुआ में देना नहीं जनाब दुआ दे दिया करो पता नहीं लगता शायद तुम्हारी जबान तो अगला कबूल कर ले ना तो पता नहीं वसीला कोई भी हो सकता है ये मेरा अब वो है। एनी हाउ मैं थोड़ा जहा जनाब अगे इस गल में लैके चलना ना शाह कबूल हजरत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे बहुत सारे मौजाद बीन बहुत सारी उन्होंने जिंदगी दे पहलू बीन एक मौजा जरा पिशावर शहर दा पिशोर शहर दा एक बबसी पहला मौजा है और मैं तुम्हें तो सुनाना लेकिन पहले मैं कॉलर ले लवा जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब कॉलर ड्रॉप हन। अच्छा मैं मौजे तभी गल करना पी पिशोर शहर का पहला मौजा जरा मेरी नोटिस है अल्लाह कहे मैं सुना सका जनाब ये मौजा देखने तो बाद गल करने जी। जी जनाब मेरे एक बार कॉलर मैं गल करना जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन साहब किधर पे गल कर दें जी। मुश्ताक बोल रहा जी एतबाद से। जी मुश्ताक भाई किस जी ठीक ठाक हो खैरियत है। ठीक है जी शुक्र बड़ी मेहरबानी शुक्रिया थोड़ा प्रोग्राम में बड़े शौक कर देख लो। अच्छा बड़ी मेहरबानी बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम लेकिन इस प्रोग्राम दे कार एक गलती है जी जी। एक गलती थोड़ी नहीं टेक्निकल मिस्टेक है जी जी। प्रोग्राम में एक मजाक बढ़ा के रख देता है। अच्छा वो ये के थोड़े प्रोग्राम दे कट कट के आवाज आती समझ नहीं पैंदी के कौन के बोल रही है। सही है तुसी मेहरबानी करके उस गलती को ठीक कराओ कि सही समझ आवे कि तुसी के पर बोल रहे हो। अच्छा अच्छा मेरी मेरी आवाज भी कटिंदी है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉ। मुश्ताक भाई मैं एक अर्ज कर देना मे भी हो सकता है कि तुम्हारे इलाके का जो केबल ऑपरेटर है उसे भी मसला हो सकता है मैं इधर भी चेक कर लेता इंशाल्लाह जी। उधर चेक कर लो ठीक है मैं इधर चेक करा लूं आपने ठीक हो गया ऑपरेटर से चेक करवा लूं। मुश्ताक भाई इधर बिल्कुल ठीक है अगर वाद भी अगर केबल चेक करा लो तो बड़ा अच्छा हो जैसी लेकिन आज तक शो पे देख दो क्या कहना चाहते हो जी। जी हाँ जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए साढ़े जो बुजुर्ग हैं शाह कबूल अलिया जाना और जो है
अच्छा अच्छा इस किस्म जो हैं ये प्रोग्राम लोगों को प्रोग्राम हो तो पता लग सी कि साढ़े बुजुर्ग कितों से आए थे कि उन्होंने खिदमत की थी इस्लाम की। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मुश्ताक भाई तुहाने साढ़े से बहुत दुआ करनी है तो अल्लाह ताला तुहानू बहुत लंबी जिंदगी देवे जनाब ते तुहाने इतना टाइम कड़ा कॉल करने का बहुत शुक्रिया जनाब। एनी आओ जनाब ये तमाम गल्लां जिहड़ी अज मैं डिस्कस पे करना उहदा मकसद आया जनाब असीं बता सकते हैं कि पिशौर बहुत कुछ है दिखाने। वैसे जो तो मैं आखिरी शो किया पांडे थे मैं हूँ भी याद है अगर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टैक्ट गल करने मैं कॉल है कि शाह जी अगला टॉपिक तुम क्या कर सो थोड़े को राय कुछ नहीं गया तो उन्होंने मैं गल की जनाब कि हूँ तो ला तो मैं शुरू होया बिकॉज पिशौर को दिखाने वैसे बहुत कुछ है। उन्होंने को बड़ा वड़ा कल्चर है एक बड़ा वड़ा है ना एसेट है जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता असी इस दुनिया के अगे मिल के तुने तुम तो असी मिल के जनाब ये पेश कर सीए ताकि असी बताइए कि जनाब असी हाँ पिशौरी जनाब असी नहीं हैं कबूतरबाज। ठीक हो गया एनी आओ मेरा टॉपिक इधर यह आया कि जनाब इन्होंने इस पूरे खिते च मुहब्बत के पैगाम नू उजागर किया है। जनाब एक गल तुहानू मैं करा अगर तुहाडे कोल कोई बंद लेट्स सपोज मेरे को एक बंदा आंदा है कहिंदा शाह साहब मैनू एक गल सिखा अगर मैं उन्होंने झड़क देवा ना उन्होंने मैं कह रहा यार चले जरूर लम्मा हो। ठीक हो गया जनाब वो मेरी अगली गल भी ना सुन सी। ठीक हो गया अगले नू प्यार नाल जिहड़ी गल समझाई जाए जनाब उहदा असर सारी उम्र रहसी। मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब अली कौन साहब किधरों पे गल करते हो जी। जी मीना बाजार से अफीस सिद्दीकी पे बोल रहा हूं जी। अदिल भाई किसन को ठीक ठाक हो खैरियत जी। अफीस भाई किसन को जी ठीक ठाक हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तुम ठीक ठाक हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज दा शो पे देख लियो अफीस भाई आज दा शो बहुत जबरदस्त शो है। लोगों ने बड़ी अवेयरनेस पैदा होती के दीन दे बुजुर्ग ने काम किया है वो लोगों को पता लगे आने ली नस्ल नु प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। तुमने मौलवी जी साहब ने प्रोग्राम किया है सानू बड़ी खुशी हुई। आज तुमने शाह कबूल हो याद किया है तुम यकीन करो मैं दुकान जल्दी बंद करके आया मैंने कि जाके प्रोग्राम देखा। अरे वाह जनाब तुमने मेरा मूल पा छोड़ा है भाई गल तुमने मेरा मूल पा छोड़ा जनाब वाह बड़ी मेहरबानी तुसी बहुत जबरदस्त अंकुर की जुबान जो देखो ये लोगों को बच्चों को पता लग गई जरा थोड़ा अंदाज है इतना बेहतरीन अंदाज है कि जिसकी कोई हद नहीं गई ना पता हो लेकिन सानू पता कि तुसी किस तरीके से बोल दियो कि प्यार मोहब्बत नाल बोल दियो ते इनको बोल दियो बहुत अच्छी। हफीज भाई मैं बड़ा आजिज माँ प्यो का बच्चा मैं कोशिश करना कोई नवी गल हो जाए आपको अच्छी गल कर ली इधर बैठ के बहुत मजा आता जी। इस तरह के प्रोग्राम देखने में डॉक्टर अर्शद हुसैन भी प्रोग्राम देखने उन्होंने भी कॉल कर उन्होंने अच्छा उन्होंने ज्यादा ज्यादा मजा भी आता है बोलने का। हफीज भाई ये तुम्हारा प्यार है ये तुम्हारा खलूस है वरना बंदा ना चीज है जनाब बहुत शुक्रिया तुमने इज्जत बख्शी है तुमने प्यार बख्शा तुम्हारी मेडी में जनाब मैं ले लाऊं एक दम एंड आई विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक माय पीपल। ओके जनाब मेरे को कॉलर मैं गल करना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन साहब किधर पे गल कर दें जी। मलिक इमरान और सक्रोर से अर्ज कर रहे हैं शाह जी। जी इमरान भाई किसंग जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम बड़ी तकलीफ ही क्या मैं बीमार गया लेकिन थोड़ा प्रोग्राम देखा तो सब्र नहीं होया। बड़ी मेहरबानी जनाब बड़ी मेहरबानी कॉल करा बड़ी मेहरबानी। तुहाने माशाल्लाह जरा सिलसिला शुरू किया है बड़ा सोहना सिलसिला है बहुत शुक्रिया लेकिन इस एक थोड़ी जी सजेशन देना चाहते हैं कि जो भी एजे मशाहिर एजे औलिया कराम का प्रोग्राम हो तो कम से कम उन्हें मजार पे जाके लास्ट थोड़ा जो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है। असल में मलिक भाई मेरा पॉइंट है आया कि जनाब तुहाडी भी मैं कॉलर नाल नाल तुहाडी भी राय लैंदा रहा ताकि तुहाडा भी विचार बिकॉज अकेले तो मैं कुछ भी नहीं करना जनाब ठीक है जी अकेले तो सो कले वाला कि ठीक है तुहाडा रहना मेरे बहुत जरूरी है बिकॉज तुहाडे बगैर मैं चल नहीं सकना। ठीक हो गया मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहिबा किधर पे गल कर दें जी। जी शाह जी मैं अरूज बात कर रही हूँ पेशावर से। अरूज कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं खैरियत है जी। जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ आप सुनाए तबीयत कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक आज का शो तुसी पे देख देखो क्या कहना चाहते हो जी उर्दू इंग्लिश जी। बिल्कुल शाह जी आज का शो मैं आपका देख रही थी तो फिर कॉल किए बगैर नहीं रहा जा सका बिकॉज इतना इंफॉर्मेटिव इतना इंटरेस्टिंग शो है तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी इसमें अपनी बहुत शुक्रिया क्या कहना चाहेंगी जी आप।
ये माशाल्लाह ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं इनका एक जो है वो मौजा आपके प्रोग्राम की। अच्छा, जो औलिया होते हैं जनाब, उनकी करामात होती हैं, अंबिया के मौजे होते हैं, उनकी कोई करामात करामत सुना दें जी मुझे कोई। अच्छा, सबसे पहली जो इनकी करामत तो ये है कि शाहजी इन्होंने अपने जितना भी इनका दौर था तो इसमें इन्होंने काफी ज्यादा जो हिंदू थे उनको मुसलमान कन्वर्ट किया, सबसे पहले तो इनकी करामत ये थी। दूसरा इनकी एक करामत जो मैंने बुक्स में पढ़ी वो ये कि ये 1147 में जो थे ये पेशावर आए थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा था जिसको अब डबगरी कहते हैं, पहले उसको डबगरान कहते थे, डबगरान कहते थे। वहाँ पर आके आबाद हो गए थे, मतलब वहाँ पर आके इन्होंने अपना स्टे किया, बिल्कुल ठीक है। तो शदीद सर्दी थी तो उन्होंने अपने कुछ मुर्शदों को भेजा के पास के कहीं इलाके से कोई आग वगैरह का बंदोबस्त देख ले आओ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली कुछ बंदोबस्त वगैरह कर लें ताकि उस सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके, बिल्कुल ठीक है। तो इनके मुर्शिद गए करीब के इलाके में, देखा कि वहाँ पर एक मैरिज सेरेमनी हो रही है, पार्टी वगैरह, शादी की तकरीब थी और वहाँ पर देगें वगैरह जो थी वो आग पर थी। तो उन्होंने कहा कि इस देग में कीड़े कीड़े चावल नहीं कीड़े होंगे, ऐसा ही था। एग्जैक्टली इन्होंने जब मांगा, बेसिकली इसका ये मकसद नहीं था, इसका मकसद ये था कि वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि कभी भी किसी की मुश्किल के वक्त उसकी खिदमत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं होना चाहिए। अरे क्या खूबसूरत पैगाम दिया आपने, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। बिल्कुल ठीक है, अगर वो एक उनको धुतकार दिया तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी सजा भी दी। अरे क्या बात है, अरूज पाने इस वाकये का पैगाम दे छोड़ा है कि अमीर और गरीब में फर्क नहीं, कि जनाब कोई शाह हो कोई फकीर हो, फकीर के दरबार हर कोई एक समान है। मेरे को एक गौर कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, ओके जनाब कॉलर ड्रॉपन, ओके जी कॉलर ड्रॉपन एनी जनाब, उन्होंने इस पिशोर नू अपने प्यार नल फतह कीता है, ते प्यार कितना जरूरी है लोगों के दिलों से राज करने वास्ते। जनाब इस शॉट देखने तो मैं तुम्हें मिलना मैं, ओके जनाब थोड़े मैसेजेस आए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, शाह जी कबू सैयद शाह कबूल औलिया, ये हमारा पीरखाना है और हम यहाँ जुमरात को जाते हैं हवेली शरीफ में मीलाद सुनने, अल्लाह आपको कामयाब करे। सदरा जान फ्रॉम सर की गेट आई वकॉलर एज वेल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब किस रुपये गल कर दे जी? गुलाम मुस्तफा जी, शाह जी, फकीर जी। गुलाम साहब किसे को जी, ठीक ठाक हो? बड़े दिन बाद आयो सरकार आज। बात जी के करें जी, जरा माने नहीं है जी, बस थोड़ी आवाज खैर है, जाने जाने भी सुन लेने हैं। ए थोड़ा प्यार है जनाब, ये थोड़ी मोहब्बत है ना, आज दा शो में देख दियो जी। बस जी हुणी आया जरा ते बारो ते मने के टाइम है जरा मिला नहीं है ते देखो नसीब है। हां देखो थोड़ा साडा अपना कनेक्शन है जी, आप ही लेना मन थोड़ी साडिया। अल्लाह ताला आबाद रखे ने जी। आमीन आमीन इलाही आमीन। के कहना चाहते हो आज दे शो दे वाले जी? बाजी शो दे वाले जी ते जे कहने जी के साडे पिशोर दे आर गिरदा जितने भी ओलिया कराम ते बुजुर्ग हुन, बिल्कुल ठीक है, ए साढ़े पिशोर दी रौनक गई। आहा क्या खूबसूरत बात है। ए जमेरात होंदी ओ सानू तो सीन याद आंदा है कि जब बड़े जांदे होंदे साढ़े हाथ पकड़ के ते जी सानू जाकर ज़ियारत ते शमा बालने दा दुआ पना होंदी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और समझ नहीं आंदी कि असी केड़े पासे चल पाया शाह जी। बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब, इना बुजुर्गों दा अपना एक फैज आया जनाब, अपना एक फैज आया, बिल्कुल ठीक है। वाह वाह क्या बात है जी। गुलाम मुस्तफा साहब, अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे, वध भी दुकान से आके भी मैंने कॉल की है, हालांकि मैं कहा जाऊँ मतलब मैं नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत शुक्रिया जनाब, तुमने वध भी मैं इस लाइक समझा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वी कैन फ्रीली पुट दिस चैनल फॉर आर किड्स टू हैव सम क्वालिटी नॉलेज। जनाब मेरा पॉइंट भी यही है, ठीक है जी, जब बच्चे आपके साथ बैठे हो ना तो वो जरूर पूछें कि यार ये जो खड़े हैं ये क्या बात कर रहे हैं, जब वो सवाल करेंगे आपसे तो आप उनको जवाब दे पाएंगे। अगर तुमने आज इना बच्चियां नु ना बताया जनाब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल है सीख लो, अगर तुमने आज ए विरसा अपने अगले आने वाली नस्लों नु ना दिता तो जनाब हम असी ओ आखिरी जनरेशन आ, असी ओ आखिरी नस्ल आ जिसने कोल वद भी है विरसा है, वद भी उन्होंने इस जबान का इस कल्चर का इस विरसे का कोई ना कोई नॉलेज है, लेकिन जनाब अगर साने भी आज अपनी जिम्मेदारी अपना फरीजा ना पूरा किया, अपने वड़े अपने वड़े की मीरास नू अगे ना ट्रांसफर किया जनाब, तो शायद असी भी इस जबान से इस नॉलेज से महरूम हो जाइए। मेरे को कॉलर ने गल करना जी, अस्सलाम वालेकुम।
ओके जनाब, कॉलर ड्रॉप ऑन। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, टॉपिक इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी इंप्रेसिव, वी गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम योर शो, गॉड ब्लेस यू शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपका शो बहुत अच्छा है, रायमा फ्रॉम पिशावर। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, इस तरह के और टॉपिक्स औलिया कराम कराम पे किया करें ताकि हम आपसे और मुस्तफीद हो। जनाब मेरे को उन्होंने उर्स के हवाले न लिख शॉर्ट है और देखने जनाब तेवत लोजिंग कर रहे हैं जी। ओके जनाब, 1181 जनाब ए सैयद शाह कबूल औलिया दी पर्दे पर्दा करने दी, इस दुनिया चो पर्दा करने दी तारीख जनाब। उन्होंने अपने फैज से इस पूरे पिशोर नू उन्होंने लोगों नू हमेशा फैजाब किया। मेरा पॉइंट जनाब इस शो का क्या है, मेरा पॉइंट इधर आया जनाब कि असी इस शहर के बहुत अजी शैमन जिसनों असी बता सकने दुनिया नू इन अ प्रॉपर वे, इन अ मॉडर्न वे, ताकि लोग सानू रिलेट कर सकन कि जनाब इन इनके पास वो सारी बातें हैं जो एक कामयाब कौम में होनी चाहिए। ठीक है जनाब, मेरे को लोग कहें जनाब तुमने गदेले ते प्रोग्राम किया है, मैं थोड़ा सा गिला कर लवा, खैर यार अपने आपस से बैठे हैं, ठीक है जी, आखिर से मैं दो चार मिनट अपना गिला भी कर सर कभी कभी, खैर शाह साहब तुमने पांडे किए हैं, तुमने गदेले मुझे कहीं नहीं छोड़े, हूँ के कर सो जनाब, क्या क्या वो मेरा काम है, ठीक है जी, मैं अपनी अपनी जड़ी जिम्मेदारी है और पूरे ईमानदारी नल ते पूरी मेहनत नल मेरी, मैं अक्सर मानू कहना कि अम्मी मैं अपने सीने का जोर लगाना इधर खेलोगे, क्यों मैं अपने वल्ला सीने का जोर लगाना, तो मैं कार जाना मेरे सीने तख्ती दुख दिए, इसे मजाक नहीं गा बालकाराई भी नहीं क्योंकि वजह है वे जनाब मैं दर्द रखना। मनु पता है कि जनाब अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तमाम जवानों से बात करता हूँ यार, आप लोग सुनते हो मुझे, आप हर प्लेटफॉर्म पर सुनते हो मुझे, अगर हम सब ने भी आज शर्माना शुरू कर दिया, अगर आज हमने भी ओनरशिप ना दिखाई, अगर हमने भी इस तमाम खित्ते को, इस कल्चर को, इस जबान को, इन इस खित्ते में मौजूद चीज़ों को ओन ना किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम वो लास्ट जनरेशन होंगे जिनको इन तमाम बातों का पता है। सो शर्माओ ना तुसी, अगर तुसी कॉलेज चो जनाब ब्रिंग इट ऑन, अगर तुसी यूनिवर्सिटी चो अपने अपनी जबान इस गल करो जनाब, अपने कल्चर के बारे में लोगों ने बताओ, अपने इस खित्ते मौजूद इन्नी वड़ी वड़ी हस्तियों के बारे जनाब लोगों ने बताओ, बिकॉज जनाब लोग पहले तुहानू डिग्रेड कर सन ते वत ए तुहाडे नाल चल सन, बिकॉज जनाब ए कारवान तुहाने ते साने मिलकर बनाना, अपना ख्याल रखो। And I will meet you tomorrow at 7 p.m. Delphi Shori. Assalamu alaikum, my people.